निवेशकों के पैसे को लेकर के जिस प्रकार का घालमेल किया गया है, उस सारे घालमेल को एक्सपोज करते हुए निवेशकों के पैसे को किसी भी सूरत तक आखिरी सांस तक लड़के दिलवाऊंगा, ये मैं इसका आपको मैं गारंटी दे रहा हूं। और इसके लिए बहुत सारी व्यूह रचना रची जा रही है, मैं सबकी सबके बारे में बताऊंगा, आप चिंता मत करिए। निवेशकों से मैं सिर्फ यही कह रहा हूं, मैं असल में उनको धैर्य रखने के लिए भी नहीं कह सकता हूं कि वो कितना धैर्य रखें, उनका धैर्य जवाब दे गया है तो धैर्य रखने के लिए तो मैं कह नहीं सकता हूं। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जिस प्रकार से क्यूआई नेटवर्क सुशांत और दिशा के मुद्दे को मरने नहीं दे रहा है, और ठीक उसी प्रकार से हम आप अपने निवेशकों के मुद्दे को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे हमको किसी भी स्तर तक जाना पड़े, और हम ये काम करेंगे। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि प्रबंधन भी अगर चाहती है कि निवेशकों का पैसा दें तो प्रबंधन को आगे आना चाहिए, मैं उनकी नियत पर संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन निवेशकों को और कार्यकर्ताओं को संदेह करने का पूरा हक है, मैं नहीं कर सकता हूं कोई बात नहीं है, लेकिन निवेशक और जो कार्यकर्ता हैं उनको नियत पर शक करने का पूरा हक है, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं और सालों से वो इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो जो लोग लैंडस्केप मोड में, अम्मीलाल जी अपने मोबाइल को रोटेशन मोड ऑन कीजिए और लैंडस्केप मोड में हमसे ज्वाइन कीजिए, प्लीज मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट है, ये हमारा उस तरह का कोई YouTube चैनल नहीं है, ये हमारे नेटवर्क पे भी जाता है और कई नेटवर्क पे एक साथ लाइव जा रहा है, तो आप प्लीज हमारे स्क्रीन को थोड़ा सा ठीक कीजिए। आग्रह है कि सहारा के उच्च प्रबंधन के लोगों को बुलाकर उनसे भुगतान के बारे में पूछिए। मोहम्मद अबू जाफर, बिल्कुल जाफर साहब, मैं इसकी भी कोशिश करता हूं और बात भी करने की कोशिश कर रहा हूं लोगों से, लेकिन आजकल वो लोग नंबर बदल रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे लोगों के नंबर थे सहारा के उच्च पदस्थ लोगों के, लेकिन आजकल उनके नंबर ही नहीं लग रहे हैं, नंबर ही बदल गए हैं, पता नहीं ईडी का क्या चक्कर है, या तो उनका मोबाइल भी सीज कर लिया है, क्या हो गया है, क्योंकि ईडी की छापेमारी बदस्तूर जारी है, बदस्तूर जारी है। अम्मीलाल जी आप अपना रोटेशन मोड ऑन कीजिए और लैंडस्केप मोड में आइए, लैंडस्केप मोड में आइए। सरफराज खान बहुत स्वागत है, सरफराज जी बहुत स्वागत है आपका, गणेश चौधरी जी बहुत स्वागत है। नहीं, पूर्ण जेना जी, हम शुरुआत एक एक मुद्दे से करते हैं। पहला मुद्दा है हमारा, अभी आज के दिन में पोर्टल की क्या हालत है, पेमेंट आ रही है या नहीं आ रही है, डिफिशियंसी ही दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, आप एक निवेशक हैं, आसपास के निवेशकों से बात करते होंगे, क्या सच्चाई है बताइए। जी सर, ये सच्चाई यही है कि 80% से ज्यादा लोगों को डिफिशियंसी आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, और एजेंट भी हमारा डायरेक्ट एजेंट जो है वो भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और ब्रांच भी बंद है, तो निवेशक जाएगा तो कहां जाएगा। नहीं, तो एजेंट के नहीं रेस्पॉन्ड करने का एक कारण ये भी है, क्योंकि एजेंट भी, एजेंट की स्थिति बहुत खराब है जिना साहब, मैं बताऊं आपको, मैं व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूं कि देखिए एजेंट तो नौकरी करते थे सहारा में, एक प्रकार से नौकरी थी, और जो वो लाते थे वो कमीशन मिलता था, वही उनकी तनख्वाह थी, बहुत सारे लोगों को मंथली बेसिस पर भी रखा गया था, लेकिन ज्यादातर लोग तो कमीशन पर ही काम कर रहे थे, या अच्छी बात थी कि उनको अच्छा कमीशन मिल रहा था, उनका परिवार चल रहा था, तो यकायक हुआ क्या कि उनका कमीशन रुक गया, उनकी नौकरी चली गई और सब कुछ बंद हो गया है। बहुत कम ऐसे एजेंट हैं जिन जो थोड़ा आर्थिक रूप से मजबूत हो पाए, लेकिन जो मजबूत भी हो पाए उनके लिए भी एक आय का जो स्रोत है वो बंद हो गया है, तो मैं कई बार उनके प्रति भी मुझे बहुत संवेदना रहती है, और इसलिए मैं एजेंट के खिलाफ, ये जानते हुए कि भी कि उनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, मैं उनकी बहुत खिलाफत नहीं करता हूं, क्योंकि ये रोजगार का मामला है, रोजी रोटी का मामला है, किसी के परिवार का मामला है, ये और बात है कि उनसे गलतियां हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे एजेंट जो अपने गलती को कबूल कर रहे हैं उनका तो मैं बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन ऐसे लोग जो गलती ही कबूल नहीं कर रहे हैं वो सरकार पर तो सहारा पर तो इस पर उस पर भी थोपने लगते हैं, ये अच्छी बात नहीं है।
जो गलती कबूल कर लेते हैं कि साहब हमारे पास कोई, बहुत सारे लोग थे जैसे एक सोनेलाल शाह है, उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास कोई चारा नहीं था, नौकरी का जरिया मिल रहा था, हम काम करना शुरू किए, हमको पैसे मिलते थे, हम बाजार से पैसे ला करके देते थे कंपनी को, कंपनी भी खुश, हम भी खुश थे, निवेशक भी खुश थे, मैच्योरिटी होती थी तो हम निवेशक को पैसा भी देते थे। तो ये सिलसिला तो बहुत दिनों तक चला और अच्छे दिनों तक चलता रहा, तो कहीं हमको संदेह हुआ नहीं। तो वो भी एक दौर था जब संदेह नहीं था और लोग अपना काम कर रहे थे। लेकिन बाद के दिनों में, जैसा कि शुभम ने बताया कि बाद के दिनों में हमने शुभम से पूछा था कि गड़बड़ी कहां हुई, तो शुभम ने कहा कि सर सलाहकार गड़बड़ मिल गए। और मैं इस बात को बहुत मजबूती से स्वीकार करता हूं कि निश्चित रूप से सलाहकार गड़बड़ मिले, या वो स्वयं गड़बड़ होंगे और गड़बड़ लोगों को, क्योंकि अगर आप गड़बड़ नहीं होते हैं तो फिर गड़बड़ लोगों को अपने साथ जोड़ते नहीं है, तो गड़बड़ी आप में भी में होगी, सलाहकार क्या करेगा। सलाहकार को अगर आप जज करने की आप में क्षमता नहीं है तो यह जिम्मेदारी आपकी है, सलाहकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी आपकी है। आप नहीं जज कर पा रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं, दोनों मिक्स प्रतिक्रिया आ रही है कि नहीं सहारा शरीफ तो देवता थे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं उनकी नीयत खराब थी। मैं इस दोनों को नहीं बाय करने के लिए जा रहा हूं, मेरी तो सिर्फ यह है कि एक कंपनी के रूप में सहारा इंडिया परिवार काम कर रही थी और कानून के तहत काम कर रही थी, लोगों से पैसे लेती थी, मैच्योरिटी होने पर देती थी। ये बात देखिए, इस बात में मैं सहारा के पक्ष में खड़ा रहूंगा अगर आपको लगेगा तो। वो बात क्या है कि मान लीजिए कि एक ही दिन अगर 100 ग्राहक पहुंच जाए पैसे लेने के लिए किसी बैंक में भी, तो बैंक भी ऐसा काम नहीं कर सकती है। तो फाइनेंशियल ऑपरेशन की एक ऑब्लिगेशन होता है कि वो अगर 100 लोगों को पैसा देना है तो उसमें से 60 लोगों को, 70 लोगों को ही वो दे पाती है, और फिर उसके बाद वो उसको मजबूरी होती है कि वो कैसे मैनेज करे। तो ये फाइनेंशियल ऑपरेशंस के बारे में तो मैं समझ सकता हूं कि एक साथ नहीं दिया जा सकता है, और एक साथ कभी लोग पैसा मांगने के लिए आते भी नहीं होंगे, एक साथ सबकी मैच्योरिटी पूरी भी नहीं होती होगी, क्योंकि मैच्योरिटी के भी तो अलग अलग फेजेस थे, कोई आज पैसा जमा कर रहा है, कोई 10 दिन बाद पैसा जमा कर रहा है, कोई 20 दिन बाद पैसा जमा कर रहा है। तो इसी तरीके से एक चेन में ये सारा काम चल रहा था और ये चेन यकायक ब्रेक कर गया। तो अब जो हालात हैं वो यही हैं। अम्मीलाल जी, दीपावली आने वाला है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, नमस्ते सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है। जी सर, क्या पूछा, सुनाई नहीं दिया सर। दीपावली आने वाला है, कन्हैया जी ने कहा था कि दीपावली तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब जो जिनकी ऑफिस खुलना है वो ऑफिस खुल जाएगा, तनख्वाह मिल जाएगा, और उसके बाद जो है घी के दिए जलेंगे, सब कुछ होगा, चिंता मत कीजिए। तो घी के नहीं भी जलाएं, हम किरासन तेल का भी जलाने के लिए तैयार हैं। तो ये कब होगा इसके बारे में तो सर मैं कुछ नहीं बता सकता, सुप्रीम कोर्ट का जब सिस्टम तभी होगा, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मैं तो मेरे लेवल तक की बातें बता सकता हूं कि हमारे यहाँ जो काम चल रहा और पोर्टल पे ज्यादा से ज्यादा पैसा दिला। बेटी की शादी टूट गई है सर, किसान कह रहे हैं मेरे 3 बेटे की शादी टूट गई है। बहुत हृदय विदारक सीन है, बहुत हृदय विदारक है अम्मीलाल जी। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, अगर कोई लोगों के समर्थक में खड़े होते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बताएगा, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ही जो कुछ करेगा, जी सुप्रीम कोर्ट ही जो कुछ करेगा उसी के आधार पर जो कुछ होगा। संस्था अपने सिस्टम को लिए हुए खड़ी है, कोई भी वित्तीय कल्याण करने वाली संस्था 2012 के बाद में सरकारी सिस्टम की वजह से आज ये समस्या है, या तो उनको बंद किया जाता है या उनको पिंचिट जाता है, जो कुछ होना है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही होना है सर, इससे पहले कुछ नहीं हो रहा है। मतलब पैसे का भुगतान सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होगा, बिल्कुल जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होगा, तभी भुगतान होगा। इससे पहले मुझे कोई उम्मीद नहीं है सर कि भुगतान की कोई बात करे या कुछ हो। लोग क्या बोल रहे हैं,
हम भी बेटी की शादी के लिए जमा किया था, इन दलालों ने डुबा दिया। सुनते जाइए, मैं अभी पढ़ता हूँ। वर्कर की जिंदगी तबाह हो गई है, उनका परिवार जिंदगी बर्बाद हो चुका है। सुनते जाइए अम्मीलाल जी, अब बोलिएगा उसके बाद। सरकार में एक जुमलेबाज है अमित शाह और सहारा में एक जुमलेबाज है कन्हैया शाह। सुनते जाइए लोगों का रिएक्शन। कन्हई मंडल, अवधेश सिंह, सुभान खान, अम्मीलाल ये गुमराह करने आते हैं। शैलेश मिश्रा लिख रहे हैं, सुनिए। जब सुप्रीम, अरे ये सुभान खान क्या है? सुभान खान तो वो तो एक पता नहीं क्या काम करता है, वो ही कौन क्या चलाता है उसके चर्चा मत कीजिए। कन्हई मंडल, अवधेश सिंह गुमराह करने के लिए आते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट को करना है तो सहारा कंपनी क्या करेगी? उन्होंने निवेशकों के पैसे जमा क्यों किए? आप कह रहे हैं कि अम्मीलाल जी, चौधरी जी, गणेश चौधरी जी, अम्मीलाल कह रहे हैं कि पैसे तो अब सहारा से मिलेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट से मिलेंगे। ममता दत्ता लिख रहे हैं कन्हैया साहब, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जी सर, अम्मीलाल जी को अभी पता चला है निवेशकों के बारे में कि कितने परेशान हैं। इतने दिनों तक इनको पता नहीं था, पिछले दो दिनों में इन्होंने कबूल किया है कि हाँ वास्तव में निवेशक परेशान हैं।